कर सजने आए न बालम का कर सजने आए न बालम तरपत बीति मोरी रे राम तरपत बीति मोरी उन बिन रतिया। तुम्हारे क्या पेपर खत्म हुए, हमारी जिंदगी अजाब हो गई है, पूरा घर फैला दिया। ये क्या करते हो चिंटू? क्या है मामा? रखो इसको। मैं नहीं रख रहा, हर टाइम बोलते रहते ये ना करो वो ना करो। इस उम्र में ये करोगे ना तो कद छोटा रह जाएगा। नहीं होता। ये बोल रही हूँ रखो इसको। नहीं मैं रख रहा। छोड़ दो। नहीं मामा छोड़े। मैं एक चाटा दूंगी, मुंह पे रखो। मामा नहीं मैं नहीं रख रहा। चिंटू छोड़ दो यार। मामा नहीं मैं छोड़ दो। नहीं छोड़ दो मामा, भारी है हाथ पे झटका आ जाएगा। कुछ भी करने नहीं देते, भारी है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कराची जाना है नन्ना के पास, वैसे भी तुम्हारे बड़े दोस्त बन गए थे वहां पर। कराची की लड़कियां लाहौर की लड़कियों से ज़्यादा सेंसिबल हैं, और वो आजिम अंकल की बेटियां आदिया और इरम। पापा भी जाएंगे साथ? नहीं। ये मैं बाय एयर जाऊंगा मामा, अकेला मजा आएगा। उर्रे मैं सोच रही हूँ सीमा आंटी को भेज दूँ तुम्हारे साथ। मामा क्या है, अभी इतना अच्छा मूड था सारा खराब कर दिया। सीमा आंटी को तुम्हें भेज दूँ? मैं नहीं जा रहा उस बुड्ढी के साथ। चिंटू बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। अंदर आके खाना खाओ। आ रहा हूँ। फौरन बैठ जाना टेबल पे। चिंटू हर वक्त गेम। मम्मा ने तुम्हारी बात मान ली है, तुम जा रहे हो अकेले कराची। थैंक यू। मगर एक बात कान खोल के सुन, कोई शरारत नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, किसी को मारना नहीं, नन्ना को बिल्कुल तंग नहीं करना, और घर का खाना टाइम पे खाना। पक्का वादा? पक्का पक्का। आ गई मेरी याद। मैंने तुमसे कहा था ना, अपना तो असूल है कि जो भी खाओ दोस्तों के साथ मिल बांट के खाओ। अभी तो मैंने बहुत कुछ खिलाना था तुम्हें, ठुसाना था तुम्हें, पर तुम्हें तो वफा थी ही नहीं। एक बार भी पता किया मेरा, वो तो भला हो शायदा शैंपियन का। दो दिन में जमानत कराई है उसने मेरी। मैं तो बेकसूर थी, मेरा क्या कसूर था, क्या किया था मैंने? सिर्फ आंटियों के लड़कों के साथ सेटिंग ही कराई थी ना, और क्या किया था?
मैं तो मोहब्बत का पैगाम फैला रही थी, इनकी गाफ में पता नहीं क्यों आग लग गई। तन्वी अब तो तू जानती है मैं तुझे घर में नहीं रख सकती, चिंटू को सब कुछ पता है और तू उसके पापा को तो जानती है। वो भोसड़ पप्पू, वो कहेगा मुझे मर रहा था, बावला हो रहा था मेरे साथ सोने के लिए, वो तो मैंने ही उसे मुंह नहीं लगाया, कहता था सिल्क समीता लगती हो तुम मुझे, जवानी में बड़ा क्रैश था मेरा उस पर, वो तो मुझे बाद में पता चला विद्या बालन की डर्टी पिक्चर उसकी जिंदगी पर बनी थी, मैं क्या ऐसे ही बेहुदा हूँ। पढ़ाया चल चिंटू की मम्मी, तुझे मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना तो ठीक है, तन्वी भी निकल गई अब तेरी जिंदगी से। अरे तू गंदे गंदे मसाज पार्लरों से लड़के बुलवाती है ना, सब पता है मुझे, तेरे घर के बाहर भी पुलिस खड़ी होगी, छापा पड़ेगा तेरे घर पे भी छापा। तन्वी तुझे कैसे पता चला? छोड़ो मुझे कैसे पता चला, अच्छा घर पे अकेली हो क्या? हाँ। भिजवाऊँ एक लड़का, किसी के साथ की जरूरत हो तो। बड़ा ही रफ एंड टफ लड़का है, तिक्का बोटी एक कर देने वाला, सेक्सी। हाँ? एक दिन तुम्हें पता चलेगा चिंटू की मम्मी, इस भरी दुनिया में एक ही तुम्हारी दोस्त है तन्वी, तुम पे जान छिड़कने वाली है, भिजवाऊँ? भिजवा दे। आज मुझे जिंदगी का सही मजा आया, तुमने मुझे मुकम्मल औरत बना दिया। मजा आया ना? बहुत। मजा तुम्हारी मर्जी का और पैसे मेरी मर्जी के। दूंगी ना बाबा, 15,000 पे तुमने बात की थी ना, तुम्हें पूरे 20,000 दूंगी। 20,000? हाँ। 20,000? हाँ। 1.5 लाख? क्या, कितने? 1.5 लाख। यानी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, पागल तो नहीं हो? पागल तो हूँ, जो तू जैसी मोटी औरत पर अपनी ताकत जाय की। अरे देख ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज निकाल पैसे। आउच। चल आजा मेरे साथ। एडी, आजा, 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 एडी लग जाएगी। एडी। मेरे साथ आ, पैसे निकाल। कर सजने आए नबाल, कर सजने आए नबाल, तरपत बीत मरी राम, तरपत बीत मरी हमको नहीं पीना सिगरेट, अपना सेहत खराब नहीं करना हमको। खान अपना उर्दू ठीक कर लो। अपना नहीं अपनी, तुम कौन सा ठीक उर्दू बोलते हैं? ये मिंट मिंट बाद नखरीली लड़कियों की तरह नाराज क्यों हो जाता है? सिगरेट मत पिया करो, अच्छा नहीं लगता है ना मर्द पर ना औरत पर।
हेलो मोटी गश्ती कुत्ती, फोन क्यों उठारी थी मेरा तू? हैं गश्ती? मैं गश्ती? गश्ती होगा तू, तेरा पूरा खानदान, तेरी माँ होगी मैडम जो तुझे तेरे बाप को चलाती होगी। तू है गश्ती, तू अपना जिस्म बेच के पैसा खाती है। चुप चुप भैंचोद, तू तेरे शौहर को दूं, भेजूं वीडियोस? यही नंबर है ना तेरे शौहर का, 03410325 है, भेजूं? नहारी थी मेरे साथ, लेटी हुई थी, भुगवा रही थी मुझसे, रंडी गश्ती, भेजता हूँ। तेरा जो दिल चाहता है कर ले, साइबर क्राइम से कह के ऐसा अंदर करवाऊंगी, तेरे नीचे वो डंडे देंगे तुझे लग पता जाएगा। सुनो, लहसुन की चटनी के बाद ब्रश ने क्या किया? मजाक कर रही हूं। नीले परों के परिंदों से गीले चांद के पार मिलूंगी, गहरे सुरमई अंधेरों को अपनी आंख में भर लूंगी। करो यार, वॉमिट हो रही है तुम्हारी शायरी से, क्यों बोर कर रही हो? जब तुम साथ होते हो ना तो दिल चाहता है तुम्हें शायरी सुनाऊं, तुम्हें वो गाने सुनाऊं जो मैं मोहब्बत में गाया करती थी। उम्र देखिए अपनी, मेरी माँ से ना एक दो साल छोटी या बड़ी होगी तुम। बॉक्स से खींचो, तुम्हारा खींचो बॉक्स से, मादर जात नंगा करके निकालूंगी यहां से। इस काम के 50,000 लेते हो ना तुम? पचास हजार औकात है तुम्हारी 50,000 की? इस मुंह पे कोई तुम्हें 500 रुपए ना दे, 50,000 नंगा करूं? नंगा करके भेज दो यहां से। साइको मत बनो, खींचो बॉक्स से, साइको मत बनो, खींचो बॉक्स से। नहीं दूंगी कपड़े, जा, नहीं देती कपड़े, जा, कपड़े जा, नहीं दूंगी कपड़े, जा नंगा जा, पागल नहीं बनो, कपड़े दो यार, नंगा जा, जा कपड़े, आ जा रहा हूं, कपड़े दे। तवाइफ भाकर है, असल तवाइफ तो तू है, घटिया नीच तवाइफ। बदकारी के दलदल में धंसी हुई ये औरतें गुमराही के अंधेरों में गर्क होंगी, जलती रहेंगी दहकती हुई आग में। इन जानी औरतों के लिए कोई पनाहगाह नहीं, भागती फिरेंगी इधर से उधर, इनके गुनाह इनके आगे खड़े हो जाएंगे और फिर गर्दन से इन्हें दबोच लेंगे। इनके गुनाहों को बख्शिश का रास्ता नहीं मिलेगा, इनकी कमर पर दुर्रे बरसाओ, इनकी जबाने पिलास से खींच लो, इनके बदन को ऐसी भट्टी में झुलसाओ कि एक पल में 100 बार मरे। ये जानी औरतें, ये गुमराह औरतें, ये बर्बाद औरतें, जानी गुमराह बर्बाद, जानी। सजने आए न बालम,
पत्ती बीती मोरी रे राम दर पत्ती बीती मोरी उन बिन रतिया कलना